लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में झारखंड की राजनीति में भी दिलचस्प फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं, जहां चुनाव लड़ने के लिए मैदान में जेडीयू भी उतरने को तैयार है। इसी सिलसिले में एवन टीवी की संवाददाता सौम्या मिश्रा ने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से की खास बातचीत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, सोनिया गांधी जी ने साफ तौर पे लिखा कि अपने रिजल्ट से नरेंद्र मोदी जी सहमत नहीं है और संतुष्ट है। देखिए, अगर सहमत और संतुष्ट होते तो जिस तरह की वो कवायद कर रहे हैं वो नहीं करते। वो लगातार एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लगातार टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लगातार विपक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार स्पीकर पद की गरिमा को, जो एक स्वतंत्र पद है, उसको गुलाम जैसे उसमें व्यवस्था में ढालना चाहते हैं। और जिस तरह के संसद में कार्रवाइयाँ हुई हैं उससे सचमुच में ये लगता है कि वो हताश हैं, निराश हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की बातों को करके एक बार फिर से नफरत का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा, सोनिया जी ने ये भी कहा है कि किस तरह से एक नफरत को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। चूंकि उनको लगता है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ, और जो वो खुलती दिखाई दी, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंतित हैं और उस निमित्त इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे करके और बहुत सारी बातें इधर उधर की करके, जिस तरह से हमारे यहाँ झारखंड में भी जाते हैं और कई लोगों को सीधा घुसपैठिया कह के पुकारते हैं, मानो उनका देश नहीं हो। ये सबका देश है और उसमें इस तरह की बात करना, भड़काना लोगों को, कहीं ना कहीं जो आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है वो सही कहा है। अन्य राज्यों में जो है वो विधानसभा के चुनाव शुरू होने हैं, झारखंड में भी होंगे, और झारखंड की कमान आपके हाथों में, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या लगता है, क्योंकि जेडीयू ने भी कहा है कि वो भी वहां से अब चुनाव नहीं। देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू भी एक पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने 10-5 सीटों देने का अगर कोई कमिटमेंट किया होगा तभी तो चुनाव लड़ेंगे, वरना उनके चुनाव लड़ने की वहाँ कोई स्थिति नहीं बनती है। गठबंधन का अगर वो धर्म का पालन करेंगे तो ये एक तरह से भारतीय जनता और उनके बीच का मसला है। अब कोई डूबते नाव में पैर रखना चाहता है तो हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर, गठबंधन की अगर इसके हिसाब से हम बात करें तो दिल्ली में भी तो आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर लड़ा, लेकिन पंजाब में अलग लड़ती है, तो फिर वो उनकी इच्छा। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो उनका मसला है। और पिछले बार भी चुनाव हुआ था, पिछले बार भी अलायंस में साथ थे लेकिन लड़े भी नहीं थे चुनाव। तो मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी को, जितना वो अंदर सोचते हैं उससे बहुत बाहर का ख्याल रखते हैं और बहुत तरीके से राजनीति करते हैं। तो उनके मन में क्या है और दिमाग में क्या है, सबका तालमेल बिठाना हमारे बस की बात नहीं है। वो आदरणीय लालू जी उनके बारे में ठीक कहते हैं, तो उस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो उन वो क्या करेंगे वो किसी को पता नहीं। झारखंड कांग्रेस किस तरह की तैयारी कर रही है आने वाले चुनाव? देखिए, हम लोग पूरी तरह से तैयार है। पहले से लोकसभा चुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, हमें इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिली हैं। पहले हम 2 पर थे, अब 5 पर हैं। और जो विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसमें हम और बेहतर करेंगे, क्योंकि हमने लगातार विधानसभा वार पूरी तैयारी की हुई है और उसमें हमें लगता है कि बहुत अच्छा हम करने जा रहे हैं। लगातार अब तो हमारे मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन जी, वो भी, उनको भी एक तरह से इजाज़त जमानत मिल गई है और ये कहते हुए मिली है कि इसमें इनका कोई बहुत दोष दिखाई नहीं देता है। तो हम दोगुने उत्साह के साथ काम करेंगे और फिर से एक बार सरकार बनाने का काम करेंगे। कहा गया कि जो इसमें ज्यादा दोष दिखाई नहीं देता है, तो इसके बाद बीजेपी के लिए कितनी कठिनाई खड़ी हो गई, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा भी अब 50% नहीं। देखिए, हेमंता विश्व शर्मा हो या शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों को आदिवासियों और दलितों को अपमानित करने के लिए भेजा गया है। क्यों, एक ने अपने ट्वीट पे दलितों के बारे में लिखा, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में किस तरह से आदिवासी भाई के सर पर मूत्र त्याग किया गया, वो किसी से छुपा नहीं है। तो हमें लगता है कि जो जिस तरह से वोटिंग पैटर्न था
उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों को अपमानित करने के लिए भेजा है और कहीं ना कहीं नफरत के ये लोग बीज बोने में मास्टर हैं हेमंता, तो वो बोने के चक्कर में उस तरह से उनको भेजा गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। झारखंड की जनता प्रबुद्ध है, इन सारे लोगों को जानती है और बतौलेबाजों को बढ़िया से पहचानती है। तो हम समझते हैं जिस तरह से आए हैं उसी तरह से बड़ी बेआबरू होके, जैसे वाजपेयी उनके थे प्रभारी वो निकले, वैसे ही ये भी निकलेंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ राजेश ठाकुर जी, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ, मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।